बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक केयर से आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आपने भी अल राजीव बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है, अल राजीव बैंक का कार्ड बनाया हुआ है, आपका कार्ड किसी वजह से गुम हो गया है या कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस कार्ड का इस्तेमाल करें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो आप वो कैसे कार्ड अपना निकालेंगे जो आपके पास अभी तक आपका कार्ड नहीं है, यानी राज्य के कार्ड की जो मादा कार्ड है उसकी फुल डिटेल आप निकाल सकते हैं, उसका कार्ड नंबर, उसका CVV कोड, उसका एक्सपायरी डेट, ताकि आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, क्योंकि काफ़ी भाइयों का कार्ड गुम हो जाता है या वो कार्ड को बंद करवा देते हैं, तो उस वजह से आप अपना कार्ड की जो डिटेल है वो कैसे निकालेंगे, कहाँ से अपना मादा कार्ड निकालेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे सामने अलाजी की एप्लीकेशन ओपन है। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने अपना अलाजी का मादा कार्ड कैसे निकालना है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आपके करंट अकाउंट का, यहाँ पे आपका अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट भी दिखाई देगा, जहाँ पर SR भी लिखा हुआ, जिस पर मैंने दायरा लगाया, आपने इसके ऊपर एक बार में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर में एक बार में क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला जिस पे मैं दायरा लगा रहा हूँ, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके नंबर पर OTP कोड आएगा, वो नंबर जिस पर आपने राजीव बैंक का अकाउंट बनाया हुआ है। तो जैसे कोड है वो कोड आपने यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोड लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका अलराजी का मादा कार्ड जो है वो आपके सामने शो कर रहा है, आपके कार्ड का नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट भी, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उसका CVV कोड भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कार्ड का CVV कोड भी शो कर देगा। तो यहाँ से आप अपने कार्ड का नंबर जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट भी कॉपी कर सकते हैं, ताकि अगर आप अपने अलराजी के मादा कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक जो भाइयों का यही होता है कि वो अलराजी का अकाउंट इसलिए ओपन करते हैं ताकि उनका जो ATM कार्ड है उसको आप ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकें या इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए। तो कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो कार्ड आप प्रिंट भी कर सकते हैं अलराजी की ATM मशीन से। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है उस पर भी वीडियो बना रखी है। और अगर आपने अभी तक अलराजी का अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट भी बना लें, ऑनलाइन अकाउंट बन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो जो इन भाइयों के पास कार्ड नहीं है वो यहाँ से कार्ड निकाल कर अपने कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी भाई को कैश विड्रॉ करना होता है लेकिन उसके पास ATM कार्ड नहीं है तो उसकी भी आपको बताते चलें कि आप जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्राउज़ का, तो आपने ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा QR कैश विड्रॉ, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने पैसे आप निकालना चाहते हैं यहाँ से 100, 50, 200 वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करना तो आपको QR कोड मिलेगा, वो कोड आपने स्कैन करना है और आप ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव करके दिखाएंगे कि आपने कैश विड्रॉ कैसे करना है बिना ATM कार्ड के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।